गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम यशवीर कश्यप। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 4 इन ज्योग्राफी क्लास 6। देखिए चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर 4 है ये ज्योग्राफी का, और इसमें ये पार्ट 2 है। वीडियो लेक्चर सेकंड है हमारा ये, ठीक है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने मैप्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था, ठीक। और इसके बाद मैप्स के जो कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे उसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है सिंबल्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंबल, ठीक है। तो व्हाट आर सिंबल्स, सिंबल्स क्या होते हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। देखिए जो सिंबल्स हैं वो मैप के थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, यानी कि सिंबल्स हैं वो मैप का एक कंपोनेंट है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेज, ट्रीज, रेलवेज, लाइन्स और अ वेल। देखिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है टू ड्रा करने के लिए ऑन अ मैप, मैप पर इसको ड्रा करने के लिए करना बहुत पॉसिबल नहीं है। द एक्चुअल शेप, जो एक्चुअल शेप एंड साइज होती है ऑफ डिफरेंट फीचर्स की, जो बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट फीचर्स होते हैं जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेज हैं, ट्रीज हैं, रेलवेज हैं, लाइन्स हैं, ठीक है। तो इनके लिए हमें सिंबल्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। जैसे कि मान लिया बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स को हम मैप पर, इतनी बड़ी बिल्डिंग होती है, ठीक है, उस बिल्डिंग को हम मैप पर नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, केवल बिल्डिंग का एक सिंबल, एक स्मॉल सिंबल ही हम उस पर शो कर देते हैं कि यहाँ पर ये बिल्डिंग बनी हुई है। रोड्स है, इसी तरह से रोड्स के लिए भी सिंबल्स यूज करते हैं, ब्रिजेज होते हैं उनके लिए भी, रेलवे लाइंस होती हैं, ठीक है, रेलवे लाइंस होती हैं उनके लिए भी हम सिंबल्स का यूज करते हैं, क्लियर। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। सो दे आर शोन बाई यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब इन सिंबल्स को यूज करते हैं, ठीक है, सिंबल्स को यूज करने से पहले शो करते हैं, तो इनमें क्या करते हैं कि इनको हम कोई सर्टेन लेटर्स ले लेते हैं, कोई निश्चित लेटर्स ले लेते हैं, ठीक है, शेड्स, कोई शेड्स ले लेते हैं या कलर्स ले लेते हैं, पिक्चर्स ले लेते हैं एंड लाइन्स, और कोई लाइन्स ले लेते हैं इन सिंबल्स के रूप में, ठीक है। दी सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस, ठीक है। ये जो सिंबल्स होते हैं ये हमें बहुत अधिक जानकारी देते हैं इन अ लिमिटेड स्पेस, एक लिमिटेड स्पेस होता है उसके बारे में हमें ये बहुत अधिक जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन देते हैं। विद द यूज ऑफ दीज सिंबल्स, इन सिंबल्स के यूज से, ठीक है, जैसे हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं तो मैप कैन बी ड्रॉन ईजली। तो मैप जब हम ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो वो हमें बहुत आसानी से, बहुत ईजली ड्रा हो जाता है सिंबल्स की हेल्प से, एंड आर सिंपल टू रीड, और हमें रीड करने में भी बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लिया कोई मैप बना हुआ है, उस पर बहुत सारे सिंबल्स हैं बने हुए, तो उन सिंबल्स को रीड करने में ये हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयर फोर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस। यद्यपि क्या होता है कि यू डोंट नो, आप नहीं जानते हैं द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया की लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी नहीं है, देयर फोर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम किसी से भी
डायरेक्शन पूछ भी नहीं सकते हैं। यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स, तो आप मैप से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, किसी एरिया में जा रहे हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर हम उसके बारे में, उसकी लैंग्वेज के बारे में, उस एरिया की लैंग्वेज को हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम उस स्थान के बारे में जहाँ हम जाना चाहते हैं उसके उसकी डायरेक्शन के बारे में किसी से पूछ नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं इसीलिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जो मैप्स होते हैं, ठीक है, उन पर जो सिंबल्स होते हैं, उनसे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स, इन सिंबल्स की हेल्प से, जैसे रोड पर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं बने हुए, एरो के सिंबल होते हैं कि कौन सी चीज़ किस साइड में है। ठीक है, तो ये सब हमें इसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक, मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, जो मैप होते हैं वो एक तरह से यूनिवर्सल लैंग्वेज होते हैं। यूनिवर्सल लैंग्वेज यानी कि वो उसको सभी पढ़ सकते हैं, सभी समझ सकते हैं उसके लिए। ठीक है, दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई ऑल, जिसको सभी समझ सकते हैं, सभी के द्वारा वो पढ़ी जा सकती है लैंग्वेज। ठीक, जो सिंबल्स की लैंग्वेज होती है वो सभी समझ सकते हैं, सभी उसको पढ़ सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैप्स। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स। देखिए, ये जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, इनका जो यूज किया जाता है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है यानी कि एक कंट्री ने जिस सिंबल को मान लिया तो अदर कंट्री भी उसी सिंबल को मानेगा, यानी कि सभी कंट्रीज मिलकर एक ही सिंबल्स को मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है इनके लिए। ठीक, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स, और ये कन्वेंशनल सिंबल्स कहलाते हैं। ठीक, सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन द फिगर 4.3। देखिए, ये 4.3 फिगर है, इसमें कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स दिए हुए हैं जिनको हम देख सकते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बोर्ड है, ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, जैसे ये आपका ब्रॉड गेज हो गया, ये जो सिंबल है ये ब्रॉड गेज का हो गया, इसके बाद ये मीटर गेज का। ठीक, इसी तरह से रेलवे स्टेशन का ये सिंबल हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट है मेटल्ड अनमेटल्ड, ये मेटल्ड हो गया और ये अनमेटल्ड हो गया, ये इंटरनेशनल, ये स्टेट का हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट का हो गया। ठीक, इस तरह से हम इन सिंबल्स को मान सकते हैं। ये कैनल्स का हो गया, ब्रिजेज का हो गया। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट है आपका रिवर्स का हो गया, ये रिवर्स है आपकी। ठीक है, तो ये बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से हम किसी भी मैप को आसानी से रीड कर सकते हैं और उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर सेम पर्पज़, बहुत सारे कलर्स होते हैं जिनका यूज करके हम अपने सेम पर्पज़ के लिए उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर स्विंग वाटर बॉडीज, जैसे वाटर बॉडीज होती हैं, ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, उनको जनरली हम क्या करते हैं, उसको हम ब्लू कलर से शो करते हैं। ठीक है, जो वाटर बॉडीज होती हैं हमारी, उनको हम ब्लू कलर से शो करते हैं। ब्राउन फॉर माउंटेन, और जो माउंटेन्स होते हैं हमारे, उनके लिए ब्राउन कलर से शो करते हैं। येल्लो फॉर प्लेट्यूज, प्लेट्यूज होते हैं उनको येल्लो कलर से शो करते हैं। एंड ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लेन्स, और ग्रीन कलर जो होता है वो हम प्लेन्स के लिए यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए यहाँ पर एक सुंदरपुर विलेज है और इसके जो एरियाज हैं उनको सिंबल्स के द्वारा पूरा शो किया गया है। ठीक है, तो इसमें स्केच, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्केच। आ स्केच इज ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। ठीक है, जो स्केच होता है हमारा वो मेनली
मेमोरी पर बेस्ड होता है, ठीक है। हम अपनी मेमोरी में ही उसको एक तरह से मान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको बना देते हैं, ठीक है। और इसमें स्केल की हेल्प नहीं ली जाती है, ठीक। स्केल को ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, ठीक है। स्केल को हम नहीं मानते हैं इसमें। समटाइम्स आर रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पार्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि रफ़ ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है। जो स्केच होता है हमारे, एक तरह से रफ़ ड्राइंग होती है वो, ठीक है। रफ़ मैप होता है एक तरह से, ठीक। रफ़ ड्राइंग होती है इज रिक्वायर्ड एन एरिया, जिसकी हमें किसी भी एरिया की लोकेशन फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। टेल वेयर अ पार्टिकुलर प्लेस, या किसी एक पार्टिकुलर प्लेस को बताने के लिए, इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस हैं, या किसी अदर प्लेसेस को मतलब लोकेट करने के लिए ये हम एक रफ़ स्केच बना लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्केच कहते हैं, ठीक। अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग ही बना लेते हैं उसको, ठीक। उसमें किसी भी स्केल की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। सपोज़ यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, सपोज़ कीजिए कि आप अपने फ्रेंड के घर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो बट यू डोंट नो द वे, हैं, लेकिन आप उस वहाँ जाने का रास्ता आपको नहीं पता है, ठीक है। योर फ्रेंड मे मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। तो क्या होता है कि जो आपका फ्रेंड होता है वो आपके लिए एक रफ ड्राइंग बना देता है, ठीक है। एक रफ मैप बना देता है टू शो, आपको शो करने, रास्ता दिखाने के लिए हिज हाउस, अपने घर का, यानी कि वो अपने घर का एक अपने घर का रास्ता बताने के लिए उसमें एक रफ ड्राइंग बना देता है, जिसकी हेल्प से आप उसके घर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल, और जो ये रफ ड्राइंग होती है ये विदाउट स्केल के ड्रा की जाती है, ठीक है। एंड इज कॉल्ड अ स्केच मैप, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्केच मैप कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लान। देखिए प्लान क्या होता है, व्हाट इज प्लान? तो अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। जो प्लान होता है वो हम ड्रा करते हैं अ स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया के लिए ऑन अ लार्ज स्केल, एक लार्ज स्केल पर, ठीक है। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो हमारा लार्ज स्केल होता है, लार्ज स्केल मैप होते हैं, वो हमें बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे लिए। बट देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वॉन्ट टू नो, फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रूम, ठीक है। तो इसमें बताया कि बट देर आर सर्टेन थिंग्स, लेकिन ये एक जो सर्टेन थिंग्स होती है, निश्चित वस्तु होती है, विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, है, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इसमें दिया हुआ है लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रूम, एक रूम की लेंथ और ब्रीथ कितनी है, ठीक है, उसको हम जानना चाहते हैं। तो विच कांट बी शोन इन अ मैप, इसको हम एक मैप पर शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एट दैट टाइम, उसी समय हम क्या करते हैं कि वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। तो उसी समय हम क्या करते हैं कि एक ड्राइंग्स बनाते हैं, ड्राइंग्स ड्रॉ करते हैं टू स्केल के लिए कॉल्ड अ प्लान, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं, ठीक है। ये प्लान कहलाता है। जैसे मान लिया हम कोई भी हाउस बनवाना चाहते हैं, ठीक है, कोई घर बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पहले से प्लान करना पड़ता है कि हमें किस जगह पर अपना किचन निकलवाना है, कहाँ पर हमें बेडरूम निकलवाने हैं। तो इस तरह से उसके लिए एक प्लान किया जाता है, और जो प्लान किया जाता है, जो मतलब अपने माइंड में एक तरह से प्लान ड्रा करते हैं हम, तो वो आपका एक प्लान कहलाता है, ठीक है। तो वो इसी तरह का मैप होता है, जिसको प्लान कहते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, ये चैप्टर हमारा यहीं पर लास्ट होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।